write down fresh heading, partnership. Now partnership, no matter what board are you from, state board, CBSC, ISC, everybody has done partnership. Fine. So partnership already we have studied. Assumption is there, jo log ka commerce tha, sab koi partnership padha hai. Lekin hum log ekdam base level se start karenge. Taki kisi ko bhi koi dikkat na ho. And bahut der sara points tha, jo school mein hum log ko nahi bataya jata tha. जो अब हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि एमसीक्यूज के लिए, एसए क्यूज के लिए, वन मार्क क्वेश्चन, टू मार्क क्वेश्चंस के लिए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. क्लियर? व्हाट एवरीबॉडी नोज, ऑब्वियसली आईसीआई वोंट टारगेट. आवर मेन कंसर्न इज व्हाट वी डोंट नो, वी हैव नॉट नोन येट, वो सब चीज पे कंसंट्रेट करना, कुछ कुछ एडजस्टमेंट्स को पकड़ना. ठीक है? सो बिफोर वी गेट इन टू सम बैकग्राउंड आइडिया व्हाट पार्टनरशिप इज. डेफिनेशन याद है किसी को? अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट, ईयर कौन सा है पार्टनरशिप एक्ट? किसी को याद नहीं. सेल ऑफ गुड्स एक्ट इज, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज, 1872 इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, 1930 दो साल बढ़ा दो, सो पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये तो नहीं है. क्या तुम लोग है, हम सोचा फ्लो में सब बोलेगा एक साथ, एवरीबॉडी इज ब्लैंक. चलो, सो पार्टनरशिप डेफिनेशन, व्हाट डू यू मीन? अब हम थोड़ा थोड़ा हिंट देते, ठीक है? परफॉर्मिंग वॉलंटरी एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ, अब बोलो. समथिंग ऑफ एसोसिएशन ऑफ जॉइंटली भी बोल सकते हो, या जॉइंटली फॉर ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल. अब क्लियर है? सो पार्टनरशिप का डेफिनेशन अब सबको थोड़ा थोड़ा याद आ गया. एसोसिएशन ऑफ, वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्संस, ठीक है? एसोसिएशन ऑफ पर्संस मतलब मिनिमम टू चाहिए, टू और मोर चाहिए. क्लियर? पहले था कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में एक आदमी एक कंपनी नहीं बना सकता था, लेकिन फिर नया लॉ आया, उस हिसाब से ओपीसी आ गया, वन पर्सन कंपनी. सो वन पर्सन कैन ऑल्सो ओपन अप अ कंपनी. सिमिलरली यहां पर भी आ गया एलएलपी, एनी कंपनी स्टैट्यूटरी बॉडी और इंडिविजुअल कैन ओपन अप अ एलएलपी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप. लॉ में आप लोग अच्छे से पढ़ोगे एलएलपी, यहां पर एलएलपी का कोई लेना देना नहीं है. एलएलपी इज नॉट देयर इन आवर अकाउंट सिलेबस, सो वी विल नॉट लेट इट कंफ्यूज विद द सिलेबस. ठीक है? लॉ में है, लॉ वाला ही संभाल लो, अभी के लिए बहुत है. ठीक है? ऐसे भी फ्यूचर में बहुत कुछ डिस्कस करना है अकाउंट्स में. सो पार्टनरशिप में वी हैड थ्री मेजर थिंग्स. ओके, वन वॉज एडमिशन, वन इज रिटायरमेंट, रिटायरमेंट गोज साइड बाय साइड विद डेथ, एंड डिसोल्यूशन वॉज देयर. फन फैक्ट, डिसोल्यूशन नॉट इन आवर सिलेबस. सो बिग रिलीफ, डिसोल्यूशन नॉट देयर इन आवर सिलेबस, वेरी बिग रिलीफ. ठीक है? नहीं है किसी का, नहीं, ना ओल्ड सिलेबस में था ना अभी है, टेंशन नहीं. डिसोल्यूशन कब आएगा? इंटरमीडिएट का ग्रुप वन में डाल दिया गया. पहले एडवांस्ड अकाउंटिंग में आता था ग्रुप टू में, अब ग्रुप टू से अकाउंटिंग गायब करके सब ग्रुप वन में डाल दिया. तो आपको एडमिशन, डेथ, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन सब कुछ ग्रुप वन में पढ़ना है. वो सब सब है, ठीक? वो तो पीएल अप्रोप्री, वो तो रहेगा ही, उसके बाद ही तो पार्टनर्स कैपिटल ये सब बनेगा. ठीक है? बेसिक्स आर देयर, टॉकिंग अबाउट डिफरेंट हेडिंग्स, एडमिशन इज देयर, रिटायरमेंट इज देयर, एंड डेथ इज देयर. ओके, everybody has done all this. Now I'll फटाफट recapitulate what we'll be doing under partnership system. See, theory is something different. Okay, we'll cover up theory which is necessary with relation to practical applicability. ठीक है? ऐसे तो लॉ पढ़ोगे ही आप लोग, पार्टनरशिप एक्ट तो है ही आप लोग का, उल्टा एल एल पी भी है, तो लॉ को लॉ के जगह पे छोड़ना, दोनों कंफ्यूज मत करना. ठीक है? लेकिन जो जो आप लॉ में पढ़ोगे प्रोविजन्स, कुछ कुछ अकाउंट्स में तो ऑब्वियस सा बात है अप्लाई होगा. ठीक है? देख लेते कवर क्या क्या करना है. किस किस को याद है रिवैल्यूएशन? ये हम वैसे नहीं जा रहा, लिस्ट वाइज नहीं जा रहा, बस टॉपिक्स लिख दे रहा है. रिवैल्यूएशन करना है अपने लोग को, प्रॉफिट एंड लॉस, अप्रोप्रिएशन करना पड़ेगा, पार्टनर्स कैपिटल,
बैलेंस शीट, गुडविल कंप्यूटेशन, ठीक है, और कुछ कुछ केस में लोन अकाउंट, जब कोई मर जाता है उसका लोन अकाउंट बनाते, वो वाला लोन अकाउंट. तो आवर मेन कंसर्न दिस टाइम इन पार्टनरशिप विल बी रिवैल्यूएशन, पार्टनरशिप सॉरी पार्टनर्स कैपिटल, पीएल अप्रो, बैलेंस शीट, गुडविल, सब कुछ हम लोग का किया हुआ है. पास्ट में जो कॉमर्स स्टूडेंट है सबका सब कुछ किया हुआ, यहाँ पे सब कॉमर्स है, अकाउंट्स में सबको ये सब कर चुका है कवर. और डिसोल्यूशन बहुत स्कूल्स में नहीं कराया गया था, तो डिसोल्यूशन तो है ही नहीं, तो प्रॉब्लम ही नहीं है. तो इतना तो सबको ही पढ़ा है. अब क्वेश्चन है, आप लोग 12 में पढ़ के गए थे कि नहीं, ये आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है. लेकिन जहां तक मेरे को याद है, इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, इट वॉज अप्रोक्सीमेटली वर्थ 30 मार्क्स. ओके, 30 से 35 मार्क का ये बुक था पूरा पार्टनरशिप पे सीबीएसई के लिए. सो होपफुली आप लोग सब पढ़े थे, मतलब ऐसा कोई नहीं होगा जिसको कुछ नहीं पता, ठीक है. डिबेंचर्स रिडेम्पशन समझ में आता है, ये तो जानना जरूरी था. नाउ पार्टनरशिप का डेफिनेशन वी ऑल आर क्लियर विथ, क्लियर. सो पार्टनरशिप वी हैव नो डाउट कि होता क्या है, ये हम लोग को पता है. सो वी ऑल नो सम्स विल बी लाइक ए बी सी, देन सम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी देयर. ओके, सो विल डिस्कस वन बाय वन वॉट आर द की इंपॉर्टेंट थिंग्स वी नीड टू रिमेंबर. ओके, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पीएसआर भी बोलते हैं, और क्या क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट भी आ सकता है, बहुत रेयर है, भूल जाओ, कैपिटल से ही कंसर्न रखो. और क्या क्या हो सकता है पार्टनर लोग को, और क्या क्या मिलेगा, रेम्यूनरेशन अलग से हो सकता है, कमीशन मिलेगा, कमीशन, कंपेंसेशन, यही सब है. कंपेंसेशन ये तीनों को कंबाइन कर दो, कुछ भी हो सकता है कंपेंसेशन, ठीक है. और क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये सब पार्टनर लोग को देने का बात हो रहा है, ठीक है. बस ड्राइंग्स में थोड़ा सा रिसीव करने का बात हो रहा है, ठीक है. चलो दो सिनेरियो हो सकता है. एक हो सकता है कि पार्टनरशिप डीड इज अवेलेबल. व्हाट इज पार्टनरशिप डीड, रिटन अग्रीमेंट, हैज टू बी रिटन, तभी वो डीड है. ओरल है चलता है, बिजनेस हो सकता है, लेकिन कोर्ट में जाएगा तो इट वॉन्ट होल्ड फॉर लॉन्ग. सो पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन अग्रीमेंट बिटवीन ऑल द पार्टनर्स ऑफ द एंटायर फर्म हु वॉन्ट टू डू बिजनेस टूगेदर, हु ले डाउन डिफरेंट एलिमेंट्स इन द पार्टनरशिप डीड. उधर में नेम रहेगा, एड्रेस रहेगा, रजिस्टर्ड बिजनेस रहेगा, नेचर ऑफ बिजनेस रहेगा, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ है वो रहेगा, सब कुछ डिटेल्स में डाला जाएगा, कौन पार्टनर कितना कैपिटल ला रहा है सब रहेगा. डन, एक डीड कॉन्स्टिट्यूट होगा, उसमें आप क्लॉज भी डाल सकते हो कि अगर कोई मर गया तो फर्म कंटिन्यू करेगा कि नहीं करेगा. माइनर को लेके आप टर्म्स कंडीशंस डाल सकते हो, कुछ भी हो सकता है. पार्टनरशिप डीड में अगर सब स्पेसिफाई कर देते हो कि भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20% पर एनम, 100% भी लिख दो तो भी मानना पड़ेगा, सैलरी सबको 5 लाख रुपया महीना मिलेगा, मिलेगा मतलब मिलेगा, काम करो या ना करो मिलेगा. पार्टनरशिप डीड में बोल दिया अगर 1 महीना छुट्टी मारा तो 1 महीना का सैलरी कटेगा, तो उस हिसाब से सुनना पड़ेगा पार्टनरशिप डीड का. तो पार्टनरशिप डीड जैसा स्पेसिफाई करेगा हम लोग सब रूल्स फॉलो करने को रेडी हैं. क्वेश्चन इज व्हाट इफ पार्टनरशिप डीड इज एब्सेंट, नॉट अवेलेबल, देन व्हाट विल बी डन. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल, जो भी है 1:1:1 चलता रहेगा, इक्वल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नॉट प्रोवाइडेड. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, नॉट चार्ज्ड. सैलरी, नॉट प्रोवाइडेड. रेम्यूनरेशन कमीशन एंड इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी प्रोवाइडेड.
at 6% per annum. ओके तो दो ही चीज का हम लोग का कुछ प्रोविजन है, एक ठो ये और एक ठो ये, ठीक है. तो ये तो आप लोग लिख सकते हो एकदम खुशी खुशी, और ये बाकी सबका कोई प्रोविजन नहीं है. अब फटाफट बताओ, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, तीन लोग पार्टनर. मिस्टर ए बहुत काम किया, बी और सी घर पे एकदम पॉपकॉर्न खाया, पूरा साल प्रॉफिट्स हुआ. मिस्टर ए बोला भाई हम पूरा साल काम किया, तुम लोग तो घर पे पॉपकॉर्न खाया, मेरे को थोड़ा सा रेम्यूनरेशन बनता है. पार्टनरशिप डीड नहीं है, क्या रेम्यूनरेशन मिलेगा? अग्रीमेंट है ही नहीं, पार्टनरशिप डीड नहीं है. रिक्वेस्ट किया दोनों पार्टनर को, कोई दुविधा नहीं है तो मिल जाएगा. बट इफ बोथ पार्टनर्स डू नॉट अग्री, देन देयर इज नो वे ही इज क्लेमिंग दैट, बिकॉज देयर वाज नो डीड, देयर वाज नो प्रोविजन टू एज सच, एंड लॉ ऑल्सो प्रोहिबिट्स, सो ही कैन नॉट क्लेम. ABC had oral agreement. Whoever works for the maximum benefit of the company will get 1 lakh rupees extra in the end of the year. B and C did not pay at the end. Can Mr. A go to court? He can. But it will be difficult to prove. Yahi written agreement hoga to no problem. Aur written agreement mein jo likha wo manna padega. So ABC ka koi bhi situation de, पहला क्वेश्चन आपको सम में देखना है, डीड दिया है कि नहीं दिया है, ठीक है. एंड बड़ा आराम से वो लोग डालता है, क्या करेगा, पूरा सम लिख देगा, प्रिपेयर अकाउंट्स बेस्ड ऑन द डीड. तो पूरा सम में आप डीड खोज रहे हो फर्स्ट सेकंड लाइन में, बोला डीड नहीं है सम में, अपने हिसाब से सम बना दिया. ऐसा भी हो जाता है कभी कभी, बस सम स्टार्ट करेगा लिख के, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड एबीसी वर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ये. तो आपको पता है एक डीड है, ठीक है, बहुत अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करता है. कभी कभी बोलता है ना ए बी सी वर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 1/5, 2/5, 3/5, ये सब करता है, सॉरी बाय 6 होगा तीनों. तो जो भी हो, बहुत तरीका है इसको प्रेजेंट करने का. तो सम्स बहुत मल्टीपल वैरायटी का है, बहुत बहुत कुछ आ सकता है. किसी में आपको बोलेगा जर्नल पास कर लो, किसी में बोलेगा रिवैल्यूएशन खाली बना दो, किसी में बोलेगा सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल चाहिए. लेकिन फैक्ट का बात है, जब आप सम करने जाओगे आपको इनडायरेक्टली सब कुछ बनाना पड़ेगा. अगर आप पार्टनर्स कैपिटल बना रहे हो तो आपको रिवैल्यूएशन वर्किंग में दिखाना है. अगर आप बैलेंस शीट बना रहे हो, रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल दोनों वर्किंग में दिखाना पड़ेगा, बिकॉज इट इज बेनिफिशियल फॉर यू. आप मेंटली कितना कितना होल्ड करोगे अपना माइंड में, कितना एंट्री, और एक सम तो करना नहीं है एग्जाम में, ढेर सारा सम करना है, तो आप मेंटली होल्ड नहीं कर पाओगे. 16,000 हो गया तो पूरा सम बेकार. तो इट इज बेटर टू राइट डाउन, उसका मार्क्स भी मिलेगा प्लस सम भी अच्छा बनेगा. क्लियर? तो मैक्सिमम सम्स दैट वील प्रैक्टिस विल हैव रिवैल्यूएशन, ओके, विल हैव पार्टनर्स कैपिटल एंड विल हैव अ बैलेंस शीट. इफ यू नो हाउ टू एडजस्ट ऑल थ्री साइमल्टेनियसली, एक के बाद एक नहीं, साइमल्टेनियसली, देन ओनली यू विल हैव द प्रॉपर स्पीड एंड एक्यूरेसी टू सॉल्व द सम्स इन टाइम. क्लियर? वरना पार्टनरशिप का सम ऐसा था, 10-10 मार्क का जो आता था उसको करने में आधा आधा घंटा लग जाता था. आप लोग रियलाइज नहीं करते थे, लेकिन 25 मिनट, आधा घंटा आप लोग का एवरेज टाइम टेकन था. प्रॉब्लम कहां आता है, पहले रिवैल्यूएशन बना लेते थे, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल, उसमें प्रॉब्लम है. इस लेवल पे, सीए वाला लेवल पे आप लोग वो काम नहीं कर सकते, बिकॉज यू विल नॉट हैव टाइम. करो ना भाई, 2 घंटा लगा के एक सम करो, टाइम ही नहीं रहेगा आपको, तो 2 घंटा में 2 पेपर लिखना है, ठीक है, बहुत आराम से आप लोग को ये खत्म करना है. चलो, तो ये वाला आप लोग को क्लियर है, डीड रहा तो क्या, डीड नहीं रहा तो क्या है, ठीक है. एंड देन कुछ नया प्रोविजन मिला तो बाद में उसको एडजस्ट करेंगे. ओके, नाउ पीएल अप्रोप्रिएशन. व्हाट इज पीएल अप्रोप्रिएशन? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स इज पीएल अप्रोप्रिएशन. शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स इज पीएसआर. व्हाट इज पीएल अप्रोप्रिएशन? बोलो बोलो. देखो मस्त मस्त काम करने दो हमको, तुम लोग डिसाइड करो. क्या सब बोल रहा है, एक बोल रहा है हम बोल रहे पीएल अप्रोप्रिएशन, बोलता है पीएल एडजस्टमेंट. बोलो छोड़ो, रहो ऐसे ही, बहुत मेहनत है इसमें, तो ज्यादा मेहनत है. बोलो बोलो, सबको ही तो पढ़ा हुआ है. पीएल अप्रो होता क्या है, व्हाई इज इट मेड?
What is appropriation of profit? To whom? To the partners. Okay. Why PL appropriation we prepare? Why not adjust simply in PL account? अगर नेट लॉस हुआ तब तो पीएल अप्रोप्रिएशन बन ही नहीं सकता सीधा बात प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन नॉट पॉसिबल बट ध्यान से सोचो इज इट कंप्लीटली नॉट पॉसिबल व्हाट इफ वी टेल समथिंग इज चार्ज्ड अगेंस्ट कैपिटल बहुत ढेर सारा कंसेप्ट है सीधा मना तो नहीं कर सकते कोई भी कंसेप्ट को बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही पड़ेगा प्रॉफिट हो या ना हो तब करते तो है पता है हमको अच्छा अच्छा आंसर दे रहा है लड़का व्हाट इज पार्टनर्स वो सब मिलके कुछ करता है अब ध्यान से सुनो व्हाट वी डिड इन बैक इन क्लास 11 एंड व्हाट वी हैव परफेक्ट आइडिया टिल इज फाइनल अकाउंट्स ओके फाइनल अकाउंट्स आप लोगों को एकदम रटाया हुआ है इसीलिए ऑब्वियसली आईसीआई दिया नहीं लेकिन है सिलेबस में है फाइनल अकाउंट फाइनल अकाउंट्स में क्या बनाते थे ट्रायल बैलेंस पकड़ते थे उससे ट्रेडिंग पीएल एंड बैलेंस शीट एडजस्टमेंट रहा तो एडजस्टमेंट भी कर देते थे दैट इज वेरी एफ्लुएंट विद अस राइट सो वी नो इन ट्रेडिंग वी गेट ग्रॉस प्रॉफिट वी यूज्ड टू कैरी इट डाउन टू गेन नेट प्रॉफिट यूज्ड टू गेट कैरीड टू बैलेंस शीट नाउ इन अ पार्टनरशिप बिजनेस एवरीथिंग इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड ऐसा नहीं होता कि अगर तीन लोग पार्टनर है और किसी को सैलरी देना है तो बोलता है तू वन थर्ड दे हम ऐसा नहीं होता है बिजनेस बिजनेस की तरह चलता है एंड में जो पैसा बचता है ये जो नेट प्रॉफिट होता है इसमें खर्चा पार्टनर लोग का खर्चा को हटा के जो प्रॉफिट बचता है इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है राइट सो व्हाट इज हैपनिंग इन शॉर्ट एचटी ठीक है रुक जा सुन लो पहले देखो हमको कैरेक्टर में रहना पड़ता है ठीक है ट्रेडिंग पीएल बना पीएल में नेट प्रॉफिट आ गया ठीक है नेट प्रॉफिट आने के बाद उसको फर्दर डिस्ट्रीब्यूट किसमें करना है पार्टनर्स लोग में करना है ठीक है सो अच्छा सुनो ध्यान से अरे भाई कंसंट्रेट करो नहीं तो हम भूल जाएंगे ट्रेडिंग है यहां पर आता था टू ग्रॉस प्रॉफिट यहां कैरी डाउन करते थे बाय ग्रॉस प्रॉफिट फिर यहां पे आएगा टू नेट प्रॉफिट और ये नेट प्रॉफिट उठा के डालते थे हम लोग बैलेंस शीट में लेकिन बैलेंस शीट बनाने के पहले पार्टनर लोग को कुछ पेमेंट करना है तो ये टू नेट प्रॉफिट बैलेंस शीट में नहीं डालकर हम लोग अभी इसको घसीट के लाएंगे फिर से एडजस्टमेंट के लिए पीएल अप्रोप्रिएशन में तो बाय नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम PL से सपोज 1 लाख ठीक है अमाउंट डालते ही नहीं अभी ठीक है आप लोग ऐसे ही कर लो सम नेट प्रॉफिट हैज अपियर्ड उसके लिए ठीक था ना तो यहां पे कुछ एक अमाउंट आएगा अगर नेट लॉस आया तो कुछ अमाउंट उतरेगा ही नहीं ये अकाउंट खुलेगा ही नहीं लेकिन उस पर भी हम लोग प्रोविजन बनाएंगे बाद में ठीक है जो जो हम लोग को पार्टनर लोग को प्रोवाइड करना है उसको पहले आप प्रोवाइड करो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से सपोज डीड में सब कुछ मेंशनड है सब कुछ देना है लोग हंसना बंद करो और तुम चीटी वाला बैग बाहर लेके जाओ बैग को आग लगा देना अच्छा ठीक है शांत लड़ाई नहीं करो चीटी को लेके माय गॉड कितना पार्टनर डालना है तीन पार्टनर एबीसी डाल देते ठीक है सब लोग ये फॉर्मेट प्लीज कॉपी करते रहिए बाय नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम पीएल जब कॉपी कर ही रहे हो तो हम थोड़ा और अच्छे से ट्राई कर लेते हैं
आई तो चलो वाह अब ठीक है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐसा अज्यूम करो ये हम लोग फॉर्मेट बना रहे ठीक है, तो इसमें पार्टनरशिप डीड में सब दिया हुआ है. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इनकम हो गया, तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जिसका जोर है और क्या क्या आ सकता है, टू सैलरी ए बी सी, कमीशन भी आ सकता है नो प्रॉब्लम. अब सपोज कमीशन खाली ए का है, बी का भी हो सकता है, सी का भी, तीनों का भी हो सकता है, कुछ भी कॉम्बिनेशन चलेगा. और क्या क्या आएगा, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स तो लिख लिए, अब रुको, तो यहां का सब मोटा मोटी कंप्लीट है ठीक है, इसको टू में ऐसे ही छोड़ देते हैं. अभी क्वेश्चन है, एक चीज आता है इंटरेस्ट ऑन लोन, अभी हम थोड़ा इसको और डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं वरना समझ नहीं आएगा. यहां पर हम लोग बोले इंटरेस्ट ऑन लोन इज प्रोवाइडेड एट 6% पर एनम. अब मैक्सिमम लोग का माइंड में आता है लोन इज समथिंग विच द कंपनी टेक्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट. फॉर एग्जाम्पल ए बी सी आर थ्री पार्टनर्स, ओके, यूजुअली इफ यू वॉन्ट टू रन अ बिजनेस वी विल कंट्रीब्यूट मोर एंड मोर कैपिटल, बट से मिस्टर ए सेड कैपिटल तो मेरा ऑलरेडी 5-6 लाख रुपया लगाया हुआ है, आई वॉन्ट प्रोवाइड मोर कैपिटल. इफ द फर्म नीड्स मनी आप बाहर से पैसा मत लो, मिस्टर ए बोला मेरे से पैसा ले लो, सीधा इक्वेशन. आप बाहरी लोग को इन्वॉल्व करोगे नाम खराब होगा, हम मेरे से ही पैसा ले लो, पार्टनर बोला मेरे से पैसा ले लो. लेकिन लोन वो कैपिटल नहीं होगा, वो लोन होगा, एज अ लोन ले लो, तो इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस हो गया एक टाइप ऑफ. तो मिस्टर ए लोन दे दिया, कितना बोला 5 लाख रुपया, 5 लाख रुपये का लोन दे दिया. अभी पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कितना मिलना चाहिए उसको, 6% पर एनम उसको मिलना ही चाहिए, 6% पर एनम उसका माइंड में फिक्स है, वो उसको इंटरेस्ट मिलता रहेगा. ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है अगर हम लोग बैंक से लेते तो क्या उसको पीएल अप्रोप्रिएशन में डालते. इफ वी टेक लोन एंड वी गिव इंटरेस्ट वेयर इज इट मेंशन्ड इन ट्रेडिंग पीएल, पीएल अकाउंट में आता है टू इंटरेस्ट ऑन लोन, ये भी तो लोन ही है, व्हाई शुड इट बी ट्रीटेड डिफरेंटली. तो ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है ये पीएल अकाउंट में ही चला जाएगा, क्लियर. अब सपोज आपको सम दे दिया, उसमें ट्रेडिंग पीएल बनाने का स्कोप ही नहीं है, आपको सीधा नेट प्रॉफिट बोल दिया. So what will we do? How will we make this entry? Can we write two interest here? Not possible. So यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, net profit का जो भी amount रहेगा उससे less कर देंगे interest on loan और फिर net amount जो भी आएगा उसको यहाँ पे लिख देंगे. Clear हो गया? अगर दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो partner को phone लगा के नहीं पूछने का, मतलब माथा खराब नहीं करने का आगे पीछे लोगों का कि भाई कैपिटल तो बोला ही नहीं, भाई इंटरेस्ट तो बोला ही नहीं, नहीं बोला तो प्रोविजंस को फॉलो करो. ठीक है, ऐसा हो सकता है कि पार्टनरशिप डीड है लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेके कुछ नहीं बोला, तो क्या होगा, नहीं मिलेगा. पार्टनरशिप डीड है, इंटरेस्ट ऑन लोन को लेके कुछ नहीं बोला, 6% मिलेगा. सो इफ देयर इज अ पार्टनरशिप डीड एंड प्रोविजंस आर मिसिंग देन वी हैव टू ट्रीट इट इन द वे As if it did not have a partnership. Clear हो गया? तो interest on loan अगर partnership deed में नहीं बोला तो हम 6% consider करेंगे. सब कुछ लिखा है, profit sharing ratio नहीं लिखा है partnership deed में. Equal consider करेंगे. Clear हो गया सबको? चलिए. देखो हम लोग जब भी partnership deed के बारे में पढ़ते थे उसमें क्या लिखा होता था? Essentials of a good partnership deed. कभी ये नहीं बोलता था कि necessary requirements of a partnership deed. ठीक है, एड्रेस नेसेसरी रिक्वायरमेंट है, फर्म का नाम नेसेसरी रिक्वायरमेंट है, लेकिन बोला कि पीएसआर बताओ, नॉट नेसेसरी, बोला डिसाइड नहीं किया, ये इक्वली रहेगा, तो लिखने से अच्छा है अज्यूम कर लो, ऐसा भी हो सकता है. क्लियर? इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं लेंगे हम लोग लाइफ में, अभी बोल के छोड़ दिया, कोई प्रोविजन नहीं रखा, डिसाइड नहीं किया, तो कंपनी तो स्टार्ट करना है, बाद में 6 पकड़ लेगा. क्लियर हो गया? अभी यहां पर दो बैलेंस आएगा, सपोज सब कुछ प्रॉफिट में चल रहा है, सब माइनस करने के बाद आप बैलेंस करोगे,
चलिए बैलेंस कर लेते हैं, यहां पर कुछ एक अमाउंट आया, यहां पर कुछ एक अमाउंट आया, यहां पर बैलेंस आएगा, ये बैलेंस डिस्ट्रीब्यूट होगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, कहां जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कि कौन कौन पार्टनर था? एबीसी। अगर डीड में कुछ नहीं बोला तो इक्वली शेयर कर लेगा। तो सपोज बैलेंस आया 3000 रुपीज, तो तीनों ले जाएगा 1000 1000 1000 रुपए, ठीक है। अब हम लोग बड़ा शान से यहां पर लिख दिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बट और एक कंसेप्ट हम लोग डिस्कस किए हैं जूनियर क्लासेस में, करंट अकाउंट, करेक्ट। सो यहां पर पार्टनर्स कैपिटल भी लिख सकते हैं, करंट कैन ऑल्सो बी रिटन हियर। व्हाट इज द सिनेरियो वेयर करंट कैन बी रिटन? फिक्स्ड कैपिटल। और अगर फिक्स नहीं है तो क्या बोलते हैं उसको? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। सो देयर आर अगेन टू मेथड्स इन कैपिटल, वन इज फिक्स्ड एंड वन इज फ्लक्चुएटिंग। व्हाट इज द डिफरेंस? छेड़खानी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। फिक्स्ड कैपिटल बेसिस में सिस्टम क्या होता है? एवरी ईयर वेदर इट बी प्रॉफिट और लॉस, एवरीथिंग विल बी एडजस्टेड इन अनदर अकाउंट। कैपिटल रिमेन्स अनटच्ड सो दैट माय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलमोस्ट फिक्स्ड एवरी ईयर। क्लियर हो गया? क्यों पार्टनर लोग ये डिसीजन लेता है? बोलते हैं हर साल प्रॉफिट एडजस्ट करेगा कैपिटल के साथ, मेरा कैपिटल बढ़ाएगा घटाएगा। कैपिटल हम 10 लाख रुपए आया, उसको 10 लाख रहने दो, उस पर इंटरेस्ट मेरे को मिल रहा है 10%, मिलने दो। जितना मेरा प्रॉफिट्स होगा उसको एक एक्स्ट्रा अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं और उस अकाउंट का नाम दे देंगे करंट अकाउंट। इन केस कैपिटल्स आर फिक्स्ड एंड अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, मतलब एवरीबडी इज ओके विद देयर कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग एट द एंड ऑफ एवरी ईयर, देन हम लोग वहां पर सारा एडजस्टमेंट कैपिटल अकाउंट में करेंगे। अभी क्लियर है? किसी को डाउट? इजी है। सो यहां पर कैपिटल अकाउंट भी हो सकता है इन केस ऑफ फ्लेक्सिबल सिस्टम एंड करंट अकाउंट इन केस ऑफ फिक्स सिस्टम, डन। और एबीसी को तीनों को पैसा मिल जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। ये हो गया पार्टनर्स, ये हम लोग का बन गया पीएल अप्रोप्रिएशन। अब पीएल अप्रोप्रिएशन के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? चलिए ठीक है, उसके पहले हम लोग सारा एडजस्टमेंट कर लिए। अब हम लोग का इस स्टेप पे लॉस हुआ, यहां पर प्रॉफिट था लेकिन जब हम लोग बैलेंस करने गए तो यहां पर बाय लॉस आ रहा है, तो क्या करेंगे? कैपिटल से घटा देंगे या करंट अकाउंट से घटा देंगे, ठीक, रिवर्स एडजस्टमेंट। सो दिस में बी रिवर्स्ड। क्लियर हो गया? लॉस हुआ तो यहां, प्रॉफिट हुआ तो यहां। अब क्लियर है? लेकिन शुरू से लॉस है तो पीएल अप्रोप्रिएशन का क्वेश्चन नहीं आएगा, डन। तो पीएल अप्रोप्रिएशन इज ओके, इट इज फाइन। चलिए After charging, before charging, in case of commission, क्या होता है? 10% फॉर्मूला बता दिए, मतलब क्या होता है? चार्जिंग कमीशन मतलब चार्ज करने के बाद जो नेट प्रॉफिट है वो बात। एक और अच्छा विविड एग्जाम्पल दो। And why do we need this after charging and before charging? नहीं पता? चलो। There is a concept of manager's commission, right? It will be used here बहुत बार। इसीलिए हम अभी बता दे रहे हैं। Manager's commission, ठीक है? बार बार manager तंग करेगा और बहुत मजेदार मन होगा, कभी एकदम बारिश का मौसम होगा तो हम लोग manager को partner बनाएगा with retrospective effect। तो उसमें भी बहुत मजा आएगा, ठीक है? जब करेंगे तब बोला तो मौसम अच्छा होना चाहिए। आज करवा देंगे तो माथा खराब हो जाएगा। मतलब मैनेजर का पुराना जितना एडजस्टमेंट है उसको भी करंट उसका पार्टनरशिप में लेके करेंगे। अकाउंट नहीं 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 नहीं, उसको कैपिटल में एडजस्टमेंट करना शुरू कर देंगे, वहीं पे इट गेट्स कॉम्प्लिकेटेड ना। फिर ए उसको कमीशन दे रहा था, बोला मत दो कैपिटल में ऐड कर दो, ये सब सब कुछ करेंगे, ठीक है? सो मैनेजर कमीशन वी हैड डिस्कस्ड, अभी जमीन पे रहते हैं, बाद में उड़ेंगे अपन। अभी मैनेजर कमीशन में दो चीज था, बिफोर चार्जिंग कमीशन आफ्टर चार्जिंग कमीशन, ओके। नाउ व्हाई डज दिस प्रॉब्लम अराइज, ठीक है? एक होता है जितना नेट प्रॉफिट निकला 5% कमीशन मेरे को दे दो,
तो सपोज नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 1 लाख, तो इसका कमीशन कितना निकलेगा? 5000, 5% हो गया इसका। खुश, अभी नेट प्रॉफिट कितना आया? अब इस पे 5% निकालने बोलेगा ओनर को। अब रिवाइज नेट प्रॉफिट आ गया ना एक, तो बोलेगा अब तुमको 1 लाख पे दे कि 95 पे दे। क्वेश्चन आ गया तो मैनेजर बोला 97,500 पे दे दो, बोला नहीं होगा, मेरा बैलेंस नहीं हो रहा अकाउंट। बैलेंस क्यों नहीं होगा अकाउंट? ध्यान से सोचो, मेरा ये पीएल अकाउंट है, ठीक है, इधर में बाय इनकम्स आया, एकदम ध्यान से सुन लो। सपोज इनकम आया 2 लाख रुपया, इधर में मेरा 2 खर्चा अकाउंट, खर्चा हुआ कितना सपोज 1 लाख रुपीज। नेचुरल बात है 2 नेट प्रॉफिट कितना आना चाहिए? 1 लाख रुपीज। मैनेजर बोला मेरे को भी पैसा दो, तो मैनेजर काम डाल दिया 2 मैनेजर कमीशन, कितना डाल दिया 5000। अब नेट प्रॉफिट 1 लाख, बैलेंस हो रहा है नहीं हो रहा है, इसको घटाएं कैसे एडजस्ट करें? इसको अगर 95 कर देंगे तो ये दोनों का 5% नहीं बैठ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है। ये जो कंसेप्ट हम अभी आपको बता रहे हैं, दिस इज बिफोर चार्जिंग, अंडरस्टैंडिंग वेयर आई एम, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, प्रॉब्लम इज देयर। सो व्हाट, हाउ द ट्रीटमेंट इज डन इफ इट इज बिफोर चार्जिंग? इजी कर देते हैं मामला को। बिफोर चार्जिंग का केस में अभी मैनेजर को कमीशन देते ही नहीं, बोलते बाद में ले ले, आउटस्टैंडिंग अगला साल एडजस्ट करेंगे, खत्म। तो यहां पर उसको अगर कोई कमीशन देना है तो वो पिछला साल का देंगे, पिछला साल का दे दी, नया नेट प्रॉफिट निकला, बोला अगला साल इसका 5% ले ले, खत्म। मैनेजर बोला नहीं अभी पैसा दो, तो नया मेथड निकालना पड़ेगा, ऐसा मेथड कि हम जो नेट प्रॉफिट निकालेंगे इट शुड बी इंक्लूसिव आफ्टर हिज खर्चा। आई हैव टू पे हिम सच एन अमाउंट विच कैन बी एडजस्टेड फ्रीली इन दिस अमाउंट। Obviously we will get a new profit figure, but balance तो हो जाएगा। तो उसका एक ही उपाय है, what we do, the formula, normally formula is what? 5% into 100, ठीक है, या 1 लाख जो भी उसका amount है। तो what we do, whatever the amount is, into 5/100, net profit into 5/100, यही करते हैं। This is the formula for बिफोर चार्जिंग। आफ्टर चार्जिंग क्या होगा सबको पता ही है। तो बिफोर चार्जिंग फॉर्मूला बिकम्स एनपी इंटू 5/100 प्लस 5, जो भी उसका 10 है तो 110 हो जाएगा, 20 है तो 120 हो जाएगा। नहीं वो दूसरा है, वो टू बैक कैलकुलेट व्हाट इज द नेट प्रॉफिट। अगर आप मैनेजर कमीशन से नेट प्रॉफिट में जा रहे हो तब वो फॉर्मूला यहाँ पे मत लगाना। वो दूसरा दुनिया से आया है, वो अभी मार्स से उतरा है, उसको टाइम दो, चीटी लेके आया अभी, रुक कंफ्यूज नहीं कर सबको, अभी अभी सबका माथा में घुसा है, जब टाइम आएगा सुपर पावर निकालेंगे तुम्हारा 95 हो गया। ये सबको क्लियर? तो आफ्टर चार्जिंग विल बी सेटल्ड दिस ईयर, बिफोर चार्जिंग लेफ्ट फॉर लेटर ऑन, हो सकता है 15 दिन बाद सेटल करे, लेकिन इस अकाउंटिंग ईयर में नहीं देगा, ठीक है। चलिए ये आप लोग को क्लियर हो गया, तो बिफोर चार्जिंग आफ्टर चार्जिंग क्या है, क्लियर है, क्यों है क्लियर है, मैनेजर क्या कर सकता है मालूम है। तो आप लोग को पीएल अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट आता है, पीएल अप्रोप्रिएशन के बाद क्या हम लोग यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कर रहे किस अकाउंट में? कैपिटल अकाउंट। तो हेडिंग लिखिए प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल अकाउंट। सी वी कैन ऑल्सो गो एट किड वाला स्पीड वेर वील डिस्कस पहले पीएसआर वाला साउंड ये वो, बट वी डोंट हैव टाइम, इट इज अज्यूम्ड यू ऑल नो दैट यू ऑल विल गेट बोर्ड, ठीक है। अगर हम बोले कि ये नया आया बोल नया रेशियो कितना है, कोई मजेदार चीज नहीं होगा आप लोग के लिए, ये सब तो मेंटली करके दे दोगे हमको। तो व्हाट आई विल डू इज प्रोसीड डायरेक्टली, पीएल अप्रो हो गया, पार्टनर्स कैपिटल दो मेथड लिखा देते हैं, ठीक है, पूरा एकदम फॉर्मेट का रिवीजन हो जाएगा, बड़ा बड़ा सम करते हैं, छोटा मोटा एडजस्टमेंट जो नहीं समझ में आएगा पूछते रहना, वहीं पे खत्म होता जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग कर रहे हैं, अभी हम लोग क्या लिखे हो, फिक्स्ड कैपिटल लिखे हो, कुछ भी नहीं लिखे अभी, चलो लिखो पार्टनर्स कैपिटल प्रिपरेशन अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड।
तभी वी आर इन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल. यही तीन पार्टनर लेके सम करते हैं एबीसी. सो इंस्टेड ऑफ मेकिंग थ्री डिफरेंट कैपिटल अकाउंट्स वी मेक वन लेजर विथ थ्री डिफरेंट कॉलम्स इन इट. ना कुछ ज्यादा टेढ़ा है. ए बी सी चलिए ठीक है. इधर हो गया डेबिट, इधर हो गया क्रेडिट, ऊपर में लिख दीजिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. प्रॉब्लम है ना ये पेन बड़ा स्लिप करता है. इट इज नॉट अ रफ सर्फेस. तो ज्यादा फीलिंग आया तो गुल 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 घूमने लगेगा. हो गया ये. चलिए पार्टनर्स कैपिटल. इज इट नेसेसरी कि इसी साल नया पैसा लाया? ऐसा भी तो हो सकता है हम पुराना अकाउंट बना रहे हैं तो ओपनिंग बैलेंस होगा, होगा ना. अब कैपिटल नेगेटिव बैलेंस होता है, सॉरी डेबिट बैलेंस होता है कि क्रेडिट बैलेंस होता है? ऑलवेज क्रेडिट. तो पुराना कैपिटल के लिए बाय बैलेंस सीडी, सॉरी बीडी लिखो, बीडी सॉरी सॉरी. चलो इसी बार तुम लोग नींद में तो खुला है ना, कुछ कुछ निकालता रहते हो. बाय बैलेंस बीडी, सम अमाउंट इज देयर पास्ट कैपिटल. इज इट पॉसिबल नेगेटिव कैपिटल? सोच के बोलो. छोड़ दीजिए क्या बोलो. जीरो अगर एज अ होल देखा जाए इम्प्रैक्टिकल सिचुएशन है, बट पॉसिबल है, अकाउंटेबिलिटी पॉसिबल है. लॉस एक्सीड कर गया तो फिर कैपिटल फिगर नेगेटिव होता है. लेकिन कैपिटल को क्योंकि कंसेप्ट के साथ हम लोग का माथा खेलेगा, कैपिटल अगर नेगेटिव हो गया करंट अकाउंट में बहुत बार नेगेटिव बैलेंसेस देता है, ठीक है. लेकिन कैपिटल के साथ जल्दी खेलता नहीं है. तीनों नेगेटिव नहीं हो सकता. ए बी पॉजिटिव है, सी नेगेटिव हो गया, संभाल लेगा. एज अ फर्म आपको देखना है कैपिटल शुड बी प्रेजेंट, राइट. जीरो कैपिटल एज अ होल नहीं चलेगा, नेगेटिव कैपिटल नहीं चलेगा. एक रुपया भी होगा तो भी चलेगा. हाँ तो टू में आएगा, ठीक है. तो बाय बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस हो गया, ये हो गया ओपनिंग. अब बताइए इसमें और क्या क्या आता है. जितना भी पीएल एप्रो का आइटम था सब इसमें गिरेगा. ऐसा कहीं कुछ नहीं होगा. अभी कम हो गया भूलना, ठीक है. बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा. टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, बाय सैलरी. तो जो भी चीज अपने लोग यहाँ पे किए थे ये सब कुछ यहाँ आएगा, और जो भी यहाँ पे किए थे यहाँ पे गिरेगा. सब आ रहे, सब आ रहे, सब चीज पाएंगे. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ठीक है. सैलरी कमीशन हो सकता है, जिस जिसको मिला है जिस जिस अकाउंट में उसी से उसमें डाल देंगे, सब आएगा. ये भी ठीक है, ये मोस्ट कॉमन था जो आना ही आना है. अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है तो टू ड्रॉइंग्स आएगा, ठीक है. अगर ड्रॉइंग्स हुआ है तो ऑब्वियसली होगा. और क्या क्या आता है, ठीक है. बाय जनरल रिजर्व, अगर डिस्ट्रीब्यूट किए तो. बाय गुडविल, अगर डिस्ट्रीब्यूट किए तो. कब आता है ये सब? ये हम बस फॉर्मेट में सारा आइटम डाल दे रहे हैं, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए हमको क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो गए. अब जैसे बाय गुडविल ऐसा आइटम नहीं है जो बार बार आएगा. बाय गुडविल कब आता है? जब चेंज इन पीएसआर हो, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, तब होता है गुडविल का एडजस्टमेंट, या तो फिर चेंज इन पीएसआर हो. ऐसे नॉर्मल डे ऑफ अकाउंट्स में बाय गुडविल नहीं आता. समझ में आया?
आप लोग का कुछ चेंज ही नहीं हुआ, 5 साल से सेम बिजनेस करो, गुडविल का कोई एंट्री नहीं आएगा, क्लियर हो गया? तो गुडविल अगेन ये कंडीशन बेस्ड है, ये भी कंडीशन बेस्ड है, ये सब अंडरलाइन कर लो। मतलब अगर एडमिशन डेथ रिक्वायरमेंट या स्पेसिफाई करेगा सब में तभी हम लोग ये करेंगे, लेकिन ये सब बाय डिफॉल्ट आता रहता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी हर साल आएगा। अगर बाय गुडविल इसको हम लोग रेज करते हैं ओल्ड रेशियो में टू गुडविल न्यू रेशियो में, ये सब करते थे, क्या होता है इसका मीनिंग जब हम लोग धीरे धीरे सम्स करेंगे बड़ा बड़ा तो अपने आप क्लियर होता रहेगा कहां पे यूज होगा। और क्या क्या आएगा बोलो आइटम, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बोले आप, चलिए एक चीज भूल गए, सब चीज का पहले पार्टनर्स कैपिटल बनाने का भी पहले एक और चीज बनता है रिवैल्यूएशन, ठीक है? लेकिन रिवैल्यूएशन फिर से कब बनेगा, अगेन व्हेन देयर इज चेंज इन पीएसआर और एडमिशन और रिटायरमेंट, फॉर दैट वील अभी के लिए छोड़ देते हैं इसको। अच्छा यहां पर प्रॉफिट हुआ तो बाय पीएल अप्रोप्रिएशन आएगा, यहां से जो पीएल अप्रो में ट्रांसफर करेंगे ना बैलेंस ये वाला, तो ये आना चाहिए, कहां गया, गायब हो गया, अरे ये वाला, ये जो हम लोग प्रॉफिट ट्रांसफर किए किसमें किए, पार्टनर्स का कैपिटल में किए, तो ए बी सी तीनों में जो भी बैलेंस है वो जाएगा। तो यहां पर लिखिएगा बाय पीएल अप्रोप्रिएशन, मेरा दिमाग खराब, बाय पीएल अप्रोप्रिएशन कुछ एक अमाउंट आएगा, निकला तो डिस्ट्रीब्यूट हो गई, ठीक है? लॉस हुआ तो ऑपोजिट साइड में गिरेगा, बोलो। अगर ऐसा कोई प्रोविजन हुआ तो, लेकिन मुश्किल है, यहाँ तो इक्वल इक्वल बोल रहे हैं ना, लॉस नहीं, एक जन का लॉस कैसे आएगा, नहीं नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ठीक है? लास्ट में जो 50 भी रुपया बचा ना वो भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है? हाँ, अब एक चीज याद रखना है, ये सब चीज एडिशनल है, ठीक है? अभी हम फ्लक्चुएटिंग में, अभी फिक्स्ड का हम लिखाएगा, जहां पर करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट अलग बनेगा, कैपिटल अकाउंट इज वर्थ लाइक हाफ अ मार्क्स, करंट अकाउंट में सारा एडजस्टमेंट होगा। इट इज पॉसिबल कि ड्रॉइंग्स कैन बी टेकन आउट ऑफ कैपिटल, ठीक है? पार्टनर पैसा निकाल के चला गया, विड्रॉ कर लिया पैसा, किससे, अपना ही कैपिटल से। यहां पे जो हम लोग टू ड्रॉइंग्स लिखे हैं इसका इनडायरेक्टली मीनिंग क्या है, कैपिटल से निकाल के लेके गया, ठीक है? करंट अकाउंट और फिक्स्ड कैपिटल जब मेथड हम लोग करेंगे, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट अलग होगा, वहां पर अगर ड्रॉइंग्स बोलेगा तो हम लोग बाय डिफॉल्ट करंट में करेंगे, लेकिन अगर बोला ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल तो फिर कैपिटल लेस हो जाएगा, अगर कैपिटल घटा तो इंटरेस्ट भी घटेगा, ठीक है? इन बिटवीन द ईयर विड्रॉ कर दिया, कब विड्रॉ किया तब से लेकर नया कैपिटल पे इंटरेस्ट नया जुड़ेगा, स्पेसिफाई नहीं किया डेट, 6 मंथ्स पूरा पे लेंगे, 6 मंथ्स हाफ पे लेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऐसा बहुत ढेर सारा एडजस्टमेंट्स आएगा, और ये सब अज्यूम्ड है कि आप लोग को आता होगा, समझ में आ रहा है? तो पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस किधर जाता है, यहां पर बस लिख देते टू बैलेंस सीडी, जो भी आया ये जाएगा सीधा बैलेंस शीट में, डन है? अभी दीज ऑल थिंग्स आर एडिशनल, जो हम बोल रहा था दीज ऑल थिंग्स आर एडिशनल, मतलब इसमें ट्रेडिंग पीएल का सारा आइटम है अभी भी, तो आप लोग को एक पूरा सम दे सकता है या एक पूरा सम का एक्सट्रैक्ट दे सकता है, बस बोलेगा कि खाली कैपिटल बनाइए, लेकिन बैलेंस शीट में तो सारा आइटम डालना पड़ेगा ट्रेडिंग पीएल वाला भी, तो थोड़ा बच के रहना है आप लोग को पार्टनरशिप से, यू हैव टू बी एफ्लुएंट, कौन पार्टनरशिप नहीं किया, ट्रेडिंग पीएल ये सब साथ में नहीं बनाए, नहीं किया हुआ, ठीक बोला, पुराना बैलेंस शीट दिया नया बैलेंस शीट वही सब रहता है यूजुअली, तो सब ध्यान में रखना, नमक ओवरऑल आ सकता है लेकिन एक सम 20 मार्क का नहीं आएगा, फाउंडेशन में नहीं आएगा, ठीक है? 18-16 मार्क का मैक्सिमम आता है आईपीसीसी लेवल पे, इंटरमीडिएट लेवल,
से ज्यादा नहीं आएगा, 16 मार्क से ऊपर नहीं आता, लेकिन 16 मार्क का आता है। हाँ ऑब्वियसली, अगर उतना अच्छे से देता आईसीआई तो लगता है इतना कम पास रेट होता, पूछ रहे स्टेप मार्किंग होगा, उतना जेनरस नहीं है कोई। ठीक है चलिए, पार्टनर्स कैपिटल ठीक है, फ्लक्चुएटिंग मेथड। अब आ जाते हैं हम लोग फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में दो कॉलम, दो अकाउंट खुलेगा, एक होगा पार्टनर्स कैपिटल, पता नहीं हम कैपिटल इतना बड़ा क्यों बनाया, ठीक है चलिए पार्टनर्स कैपिटल फटाफट, बाय बैलेंस अगेन, यहां पर भी दो तीन कॉलम रहेगा, बैलेंस शीट में भी तीन कॉलम रहेगा सब। हाँ हाँ बोलता रहता, हमको लगा सब चीज पे अग्री करोगे, बैलेंस शीट में एक ही रहेगा ठीक है। बाय बैलेंस सीडी कितना, कुछ भी अमाउंट रहेगा, अगर नया कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है तो बाय बैंक आ सकता है, बाय बैंक या बाय कैश जो भी हो, या अगर नया पार्टनर आया है तो आ सकता है ठीक है। अगर टू ड्रॉइंग्स है, ब्रैकेट में लिख लेना अगेंस्ट कैपिटल तो आएगा, हाँ भाई बीडी होगा, लास्ट में टू बैलेंस सीडी, भाई सीडी बीडी का फुल फॉर्म बोलो तो। चलो शुक्र है, कोई कोई लोग कुछ नहीं लिखता, दोनों जगह एफडी लिख के आ जाता है या सीएफ लिख देता है, मजेदार मजेदार कैरी फॉरवर्ड ऐसे ही कुछ कुछ करता, अपना एक नया टर्म निकाल देगा, कितना लोग हर जगह टू लिख के आता है। कॉमन मिस्टेक है ये, मतलब अच्छा अच्छा लेवल फाइनल लेवल पर भी लोग मिस्टेक करते हैं, हर जगह बाई बैठा देता है, टेंशन इतना है लाइफ में। अच्छा मैथ्स इसका जब मैथ बना रहा था नहीं नहीं मैथ्स में अकाउंट्स नहीं। चलो अब इसमें क्या क्या आएगा, करंट अकाउंट का भी बैलेंस हो सकता है, फैक्ट का बात है, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों पॉसिबल है ठीक है, लेकिन दोनों में से कोई एक ही होगा, कंडीशनल है, दोनों एक साथ नहीं हो सकता, नेचुरल बात है। अब इसमें बाकी का सारा एडजस्टमेंट्स आएगा, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी, बाय रेम्यूनरेशन और गुडविल, सब आ सकता है, ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, मतलब बेसिकली जो हम लोग यहां पे अकाउंट बनाए थे इसमें यहां से लेकर मस्त एकदम यहां तक आएगा, पीएल अप्रो भी आएगा ठीक है, और ये वाला सारा आइटम आ जाएगा, बस पार्टनर का जो ओपनिंग कैपिटल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी आएगा, सब आएगा ठीक है, बस कैपिटल का मेन फिगर से कोई लेना देना नहीं। लास्ट में टू बैलेंस सीडी, बाई भी हो सकता है, डिपेंड करता है किसका कौन सा अकाउंट है ठीक है। इतना तक आप लोग को थोड़ा बहुत याद था ठीक है। अब है हम लोग का सिलेबस में स्टार्ट होगा मामला गुडविल से, तो हम लोग यहां पे बाय गुडविल टू गुडविल लिख दिए, अब गुडविल क्या होता है ये आप लोग हमको बताओ, व्हाट इज गुडविल इन इट्स मोस्ट बेसिक सेंस, व्हाट डू यू मीन बाय गुडविल। एक तो मालूम है वो इनटैंजिबल एसेट है, चलो अब ये बताओ इनटैंजिबल और फिक्टिशियस में क्या डिफरेंस होता है, इनटैंजिबल एसेट होता है फिक्टिशियस एसेट होता है, पहली बार सुन रहा है
मां सुना हुआ है ना, अब बताओ फिक्टिशियस और इंटेंजिबल में क्या डिफरेंस है? क्या क्या अच्छा चलो ठीक है, और भी इंटेंजिबल का हम एक एग्जांपल देते हैं। चलिए एक इंटेंजिबल का एग्जांपल देते हैं। कंपनी खर्चा किया 50 लाख रुपया ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है, लास्ट में रिजल्ट क्या निकला? कुछ बनाया नहीं, एक फॉर्मूला लिख के दे दिया, बोला यही है, यही हुआ रिसर्च 50 लाख रुपया का, ठीक है। फॉर्मूला टच करो, फील करो, कुछ तो होगा नहीं, नॉलेज आया, ये किस में जाएगा? ये भी इंटेंजिबल है, दिस इज ऑल्सो इंटेंजिबल। तो ऐसा कुछ नहीं है कि खाली गुडविल ही इंटेंजिबल हो सकता है, और भी चीजें इंटेंजिबल हो सकती है, पेटेंट्स भी इंटेंजिबल है, तो ये फिक्टिशियस क्यों नहीं है? हीलिंग लाओ, चलो बस। अब हम एक एग्जांपल देते हैं, इंटेंजिबल को टच नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन उसका एसेट में वैल्यू है, बेच सकते हैं उसको, बेचेंगे तो पैसा मिलेगा। आप एडवांस में इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट किए 2 लाख रुपया, वो भी एसेट है, वो भी इंटेंजिबल है, टच तो नहीं हो रहा, लेकिन क्या उसका कोई पैसा देगा आपको? उसका पैसा नहीं मिलेगा, रिकवरी नहीं हो पाएगा। तो ऐसा कोई इंटेंजिबल एसेट जिसका पैसा रिकवरी नहीं हो सकता, वो फिक्टिशियस है। क्लियर हो गया? कहीं पर लिख लो एकदम मस्त, नहीं तो फिर भूल जाओगे। अब ये सब छोटा छोटा चीज कभी पता नहीं था, अब धीरे धीरे पता चलेगा, और ऐसा बहुत ढेर सारा कंसेप्ट है जो पता चलेगा। एवरीथिंग हैज एन आंसर इन अकाउंट, नो टेंशन। और किसी का अगर सेम नाम होगा बता देंगे कि ये दोनों का मीनिंग सेम ही है, ओके हाँ भाई, नॉट रिकवर्ड नहीं, इट इज नॉट रिकवरेबल, बेच ही नहीं सकते, ओके okay? आप लोग का 16 का नहीं आएगा बॉस, ज्यादा से ज्यादा 4-6 ऐसा, लेकिन अगर आसपास का सब कुछ पता नहीं रहेगा, बीच का एडजस्टमेंट नहीं कर पाओगे। फाइनल अकाउंट था ना, पार्टनरशिप नहीं था। इनकम एक्सपेंडिचर रिसीट पेमेंट बहुत हैवी हैवी सम आएगा, क्योंकि वो सबको आता है तो बोलेगा अच्छे से करो। शेयर का सम आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स भी दे सकता है, सीबीएसई में तो देता था फिल इन द ब्लैंक्स, एकदम मजेदार, पूरा सम में लोग 16 लाख 17 लाख, साउथ पॉइंट का एग्जामिनेशन था 16 लाख 17 लाख 18 लाख, सब मस्ती से लिख के आया, घर आया सब रॉन्ग। कितना मिला पीस मार्क का टेस्ट में? 3-4, क्यों? ऊपर में लिखा था रुपीज इन लैक्स काहे इतना जीरो लगाया फिल इन द ब्लैंक्स था ना भाई, तुम तो करोड़ों में चले गए, सबका मार्क्स काट दिया, दिया ही नहीं फिर देखो कुछ भी सिनेरियो, राम सीता कुछ भी हो सकता है। चलिए अच्छा, गुडविल किसको बोलते हैं आप बताइए? ये पता है वो इंटेंजिबल है, और आप लोगों को पता है वो फिक्टिशियस नहीं है, विच मीन्स गुडविल कैन बी सोल्ड, ओके। गुडविल कैन बी ऑफ टू टाइप्स, लिसन केयरफुली, गुडविल कैन बी ऑफ टू टाइप्स, वन इज परचेज्ड एंड वन इज सेल्फ जनरेटेड। परचेज्ड गुडविल माने कोई और का ब्रांड खरीद लिए, या कोई एक से कुछ खरीद लिए जिससे आपका गुडविल बढ़ गया, यू एक्वायर्ड गुडविल, यू परचेज्ड गुडविल। फॉर ये कब हो सकता है? जब आप दूसरा कंपनी एक्वायर कर रहे हो। अभी हम लोग बात कर रहे थे वेंडर वाला सम में, डिबेंचर, लास्ट क्लास में क्या उसमें बात किए थे हम लोग डिबेंचर सम में, कि अगर एक्सेस होता है लाइबिलिटीज ऑफ एसेट देन इट इज कंसिडर्ड गुडविल, पकड़ सकते हैं। वैसे यहाँ पे कुछ केस है, परचेज्ड परचेज कर सकते हो, सेल्फ जनरेटेड में You have to decide what is your worth.
then we will obviously use some formulas to determine what the goodwill of my firm is, correct? And we already know of some formulas, which is average. हम लोग average profit method है, super profit method है, capitalization method है, annuity method है. Annuity method first time सुन रहे हो? क्या हुआ? Depreciation में सुना है. Depreciation अलग चीज होगी. Annuity method भी है, ठीक है? और फिर उसमें weighted average method है. So we have a lot of varieties to cover, okay? But question is, what is goodwill? अच्छा नाम को goodwill बोलते हैं? Try करो. ट्रस्ट वही नहीं आ रहा है. ठीक है, आज का क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं. घर जाके एकदम बवाल गुडविल का डेफिनेशन पढ़ के आना. नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विद द कंसेप्ट ऑफ गुडविल.